चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। चुरू से बड़ी खबर है, यहां राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर टैंकर और वैगनार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में चार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा इतना भीषण, टैंकर वैगनार कार को करीब 25 फीट तक घसीटता हुआ ले गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। पुलिस के अनुसार वैगनार में सवार लोग सालासर बालाजी के दर्शन कर वापस जोधपुर लौट रहे थे और इसी दौरान बोबासर पुलिया के पास लादनू की ओर से आ रहे केमिकल से भरे टैंकर से आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में वैगनार में सवार चारों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तो ये बड़ा हादसा, चूरू से ये खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर टैंकर और वैगनार में जोरदार भिड़ंत हो गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कितनी जोरदार ये भिड़ंत रही। हादसे में चार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भीषण, टैंकर वैगनार कार को करीब 25 फीट तक घसीटता हुआ ले गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। पुलिस के अनुसार वैगनार में सवार लोग सालासर बालाजी के दर्शन कर वापस जोधपुर लौट रहे थे और तनुज लाटा हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। तनुज, क्या जानकारी है? देखिए, आज सुबह 7 बजे के करीब यह हादसा हुआ था, जब वैगनार कार में सवार चारों युवक सालासर बालाजी के दर्शन कर अपने पैतृक शहर जोधपुर की तरफ लौट रहे थे। इसी दरमियान सुजानगढ़ के करीब बोबासर पुलिया के पास जब वो पहुंचे तो अचानक इनकी कार टैंकर से टकरा गई, तो कार में सवार चारों जनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं टैंकर चालक भी घटना के बाद मौके से फरार हो गया। फिलहाल हादसे के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है कि कार की टक्कर किस तरीके से हुई और हादसे का कारण क्या रहा। वहीं टैंकर का जो आगे के पहिए हैं वो भी हादसे के बाद वहां पे फट गए थे। वहीं सदर थाना पुलिस है वो मौके पर पहुंची और हारे का सारा टीम की मदद से चारों शवों को बाहर निकलवाया, वह राजकीय बगड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है। मृतक के परिजन हैं जो कि जोधपुर से सुजानगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। उनके सुजानगढ़ पहुंचने के बाद ही जो उनके द्वारा पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी जाएगी, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। जी मेगा जी, बहुत बहुत शुक्रिया तनुज पूरी जानकारी के लिए।